हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो आज हम लोग तीन चार टॉपिकों के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारक काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं इस पूरे सिस्टम से, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी नाराज हैं, साथ ही साथ में ईपीएफओ से नाराज हैं। वीडियो के कुछ क्लिप भी है, उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि मीडिया से बात करने के दौरान भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपनी नाराजगी को व्यक्त किया है। अब बहुत से चेहरे भी सामने निकल के आ रहे हैं कि कौन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि बढ़वाना, मतलब कि कहाँ पे बढ़ सकती है, कहाँ से नहीं बढ़ सकती है। इस चीज़ों को लेके ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने काफ़ी ज़्यादा जो तो बातों को बताया है। साथ ही साथ में सबसे अहम जो बात है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का पेंशन वृद्धि का जो सपना है वो कब तक पूर्ण होगा, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्या करना होगा, कैसे पूर्ण होगा, इन्हीं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे अपने आज के इस नए वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने काफ़ी समय पहले ही ईपीएफओ मुर्दाबाद जैसे और जो तो प्रधानमंत्री जी न्याय दो और इस सिस्टम के खिलाफ पेंशनर्स का, जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश पे राज करेगा, इन जैसे नाराओं को लगाया। इन नारा के लगाने से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर एक कदम तो आगे बढ़ा गया, लेकिन इसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो भी काम किए गए, उसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों के कार्य में जो तो स्थिरता आ गई। बात करने जाओ सरकार से, तो चाहे ईपीएफओ सरकार कोई भी हो, तो बताया जाता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के काम को किया जा रहा है, उनके पेपर वर्क को बनाया जा रहा है और बहुत ही जल्द उनके बिल को पास कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में जल्द से जल्द वृद्धि कर दी जाएगी। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। दूसरे नंबर पर मीडियाओं से भी बात हो रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रिंट मीडिया, वो भी अपने काम को बहुत ही बखूबी अच्छे से कर रहे हैं। साथ ही साथ में अगर बात करें डिजिटल मीडिया की, तो डिजिटल मीडिया भी काम अपने काम को बखूबी अच्छे से कर रहा है। अब बात यहाँ पे मैं एक बात और कर दूँ, देखिए प्रिंट मीडिया बहुत सारी खबरों को दिखाता है, छापता है सरकार तक, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज़ को पहुँचाता है, प्रिंट मीडिया के भी माध्यम से जाता है, यहाँ तक कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को नेशनल टीवी ने भी कवर किया है। इसके बावजूद भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में कोई बात आगे नहीं बढ़ी, यानी कि अगर ऐसा नहीं हुआ कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया करा दी गई हो। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि सरकार के द्वारा कभी भी यह भी नहीं कहा गया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो मांग है वो गलत है, इस प्रकार की मांग को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। हमेशा यही कहा गया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है बिल्कुल सत्य है, जायज है और उन्हें पेंशन की राशि दी जाएगी, लेकिन कब तक दी जाएगी ये नहीं होता स्पष्ट। अब आगे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि बहुत से चेहरे भी सामने आए। देखिए, ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करने की बात तो करते कराते हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं करवा पाए, नहीं हो पाई है। अब मैं नाम क्या लूँ, नाम जानना है तो आप हमारे दूसरे वीडियो का इंतजार करें, वहाँ पर मैं विस्तृत रूप से इनके नाम भी बताऊँगा। आगे पेंशन वृद्धि के सपने को कब तक सरकार होता हुआ, कब तक साकार होता हुआ ये पेंशनर देख पाएंगे? क्या सच में ये पेंशनर्स अपनी पेंशन को अपने खाते में पाएंगे अथवा नहीं पाएंगे? तो बिल्कुल ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके अभी सांसदों के साथ में जो बातें हुई हैं उनसे तो ये स्पष्ट होता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि बहुत जल्द देखने को मिलेगी। लेकिन ये आश्वासन, इस प्रकार के वादे, बातचीत तो आपको बहुत दिनों से देखने को मिली है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिए गए। इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। आप बताएं आपका क्या निर्णय है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स ओपन है इसलिए जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।